बिजनौर जिला महिला अस्पताल में 3 दिन पूर्व एक साथ 5 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया था, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच बैठाई गई थी। एडीएम और एसडीएम ने जिला अस्पताल में जाकर पीड़ित लोगों के बयान दर्ज किए और इन लोगों से घटनाक्रम की जानकारी ली। पीड़ित परिवारों ने अस्पताल में लापरवाही के साथ साथ सुविधा शुल्क मांगने और अभद्रता करने की भी शिकायत जाँच टीम से दर्ज कराई। अपर जिलाधिकारी मदन सिंह गब्रियाल और एसडीएम सत्येंद्र सिंह आज एक साथ 5 बच्चों की मौत की जांच करने जिला महिला अस्पताल पहुंचे। पीड़ित माता पिताओं से अलग अलग जानकारी लेकर उनके बयान दर्ज किए। पीड़ित लोगों ने अस्पताल की लापरवाही के साथ साथ सुविधा शुल्क मांगने और अस्पताल स्टाफ द्वारा अभद्रता करने की अलग अलग शिकायत की। इस दौरान अस्पताल में पूरी तरह अफरा तफरी मची रही। वहीं जाँच अधिकारी एडीएम मदन सिंह गब्रियाल का कहना है कि वह डीएम साहब के आदेश पर एक साथ 5 बच्चों की हुई मौत की जांच करने के लिए अस्पताल में आए थे। यह पीड़ित लोगों से बात की है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। 1500 रुपए लिए। किस चीज के लिए गए, किस चीज के नाम पर? ये नहीं पता किस चीज के। ऑपरेशन के बाद लिए। ऑपरेशन के बाद किन्होंने लिए है? ये नहीं पता। अंदर लिए। अंदर लिए थे? क्या कहकर लिए थे? कोई लड़का हुआ, चलो खर्चा पानी। अच्छा, तो क्या आपने इसकी शिकायत की है? जिलाधिकारी के आदेश पे जो नवजात शिशुओं की जांच मुझे सीएमओ साहब और एसडीएम साहब को सौंपी गई है, 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इसी के संदर्भ में आज एसडीएम साहब, मैं और डिप्टी सीएमओ साहब यहाँ जिला अस्पताल में जांच करने के लिए आए हैं। अभी जो मौजूद यहाँ पे वार्ड में मौजूद मरीजों से बात हुई है, जो अन्य मरीज थे उनसे बात हुई है और इनके अभिलेखों को देखा गया है। जांच अभी चल रही है, जैसे तथ्य सामने आएंगे उनकी रिपोर्ट बना के डीएम साहब के सामने रखें। जो पीड़ित आरोप लगाए पैसा मांगने के, कुछ लोगों ने आशाओं पे और लोअर स्टाफ पे कुछ इस तरह के आरोप आए।